अभी बदत है भाई, अभी बदत है। जिकरा में दम होके वो इनके कुर्सी से उठा के देखे। अबे साले ये जो सीन आपने अभी अभी देखा, ये था भोजपुरी मूवी का, जिसमें ग्रेविटी की बात ना करें तो ही अच्छा है, क्योंकि भोजपुरी मूवीज का ग्रेविटी के साथ 26 का आंकड़ा है। भोजपुरी मूवी वाले सोचते हैं कि बाहर में जाने दो न्यूटन और उसकी ग्रेविटी को, हमें तो अपनी पिक्चर बनानी है और काम खत्म, क्योंकि सेब तो न्यूटन के सर पे गिरा था, हमारे पे थोड़ी जो हम ग्रेविटी को मानेंगे। कुछ इसी तरह न्यूटन की ग्रेविटी को नजरअंदाज करते हुए बनाया ये सीन, जिसमें हमारे पवन भैया सिर्फ इस चेयर पर हाथ रखकर दोनों पैर हवा में करके सामने वाले की छाती पर दे धनादन मारे जा रहे हैं, क्योंकि ग्रेविटी को तो नजरअंदाज कर दिया है। ग्रेविटी तो पीछे बैठकर रो रही है कि न्यूटन ने दुनिया को मेरे बारे में क्यों बताया, मेरा मजाक बनाए जा रहे हैं। और हमारे पवन भैया तो इस लड़की को इम्प्रेस करने के लिए उसकी चेयर पकड़कर ही सब गुंडों को मारेंगे। पता नहीं इनको चेयर से इतना प्यार क्यों हो गया है, जो चेयर को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और अभी तो रुको, इन्होंने तो चेयर पर बैठी हुई लड़की को ही घुमाकर गुंडे में किक पड़वा दी। तो गाइस आज की ये वीडियो कुछ इसी प्रकार की होने वाली है, जिसमें हम देखेंगे लॉजिकलेस भोजपुरी एक्शन सीन, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना दोस्तों, वीडियो में मजा आएगा। तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि गाइस आप सब लोग जानते हैं कि चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हो चुका है, लेकिन जो भी साइंटिस्ट की मेहनत और जितना भी पैसा लगा वो तो व्यर्थ था, क्योंकि हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में एक ऐसा हीरो है जो बिना पैसों के तुम्हें चंद्रमा की सैर करा सकता है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। जब ये सातवीं फेल गुंडे इस लड़की को किडनैप कर रहे होते हैं, तब सामने खड़ा हो जाता है एक हीरो। गुंडों का लीडर कहता है कि चढ़ा दो इसके ऊपर से गाड़ी। जैसे ये गाड़ी इसके पास आती है, तो ये बिना जंप के इतना ऊंचा उछल जाता है कि इसके नीचे से पूरी की पूरी गाड़ी निकल जाती है, क्योंकि ग्रेविटी नाम की कोई चीज इनकी डिक्शनरी और इनकी लाइफ में नहीं करती। इसके बाद हीरो विलन की बैन के पीछे भागता है। फ्लैश, क्रिस, फ्लैंगजेट सबको बीट करते हुए इसने बैन को पकड़ लिया और ये गुंडों को मारने वाला है। और ये क्या, ये कार की छत पे कब चढ़ गया। इसके बाद इसने गुंडे में किक मारी और ये गुंडा खिड़की समेत उड़ते 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 उड़ते, भाई रुक जरा चांद पर मत पहुंच जाइयो। अबे तेरी, ये तो सच में चांद पर पहुंच गया। अबे साले, इस बंदे ने 2300 किलो की गाड़ी को अपनी एक किक से रोककर गाड़ी को गोल गोल घुमा दिया। वाओ, मतलब इसकी किक में ऐसा क्या है जो 2300 किलो की भारी भरकम इनोवा को एक किक से घुमा दिया। और दूसरी बात, ये इनोवा का दरवाजा अपने आप खुल गया, उसमें से एक लड़की उड़ती हुई बाहर निकली और इस लड़की की बाइक पर बैठ गई। अब इस सीन के बारे में मैं क्या बोलूं, इसने तो मेरे मुंह पर ताला ही लगा दिया। हार में आने दो, अगला देखते हैं। अबे साले, जब अरे क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है जो कोई नहीं कर सकता वो भोजपुरी वाले कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक भारी भरकम लेडी को एक हाथ से शीशे से बाहर निकाल कर खींच लिया। मतलब ये सीन देखकर जो नशा ना करते हो उसे भी ऑटोमेटिक नशा हो जाएगा। और अब इन गुंडों को भी देख लो, इनके पास गाड़ी है लेकिन फिर भी ये इनको पकड़ने के लिए पैदल भागे जा रहे हैं। यहाँ पर हमारे निरहुआ भैया साइकिल के ऊपर ऐसा स्टंट करते हैं जिसे देखकर आपकी आंखें भी बाहर आ जाएंगी। जी हाँ, बिना किसी जंप के ये पूरा का पूरा ट्रक खांग गए। तो गाइस थैंक यू सो मच, आप इस वीडियो को देखते देखते एंड तक पहुंच गए। भाई अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और कमेंट में बताना कि नेक्स्ट वीडियो कौन सी लेके आऊं।